हेलो गाइस, माय सेल्फ दीपक। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डिप्लोमा सेकंड ईयर की जो एनुअल एग्जामिनेशन होने हैं, मेन एग्ज़ाम होने हैं, उनका डेट शेड्यूल जैसा कि आ चुका है। रही बात फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की, तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का फ़िलहाल पेपर का कोई डेट कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आप अपने आप को सेफ में भी सेफ समझ सकते हैं। अभी भी 20-30% चांस है पेपर होने का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का। बाकी फाइनल ईयर वालों का तो डेट शेड्यूल आ ही गया, जैसा कि आपको पता है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कॉलेज के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है आपको, बाकी टीचर्स के द्वारा गाइड किया गया है कि आप लोग अपने जो प्रीवियस ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक HAP हो गया, एस्टिक्स हो गए, तो आप उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है गाइस, रिवाइज करने से क्या होगा, जो सेकंड ईयर में आपको मान लो आप प्रमोट हो जाते हो, तो सेकंड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कोरिलेटेड हैं एज टू फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। तो कोरिलेशन का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो बेसिक्स टर्म हैं जो कि यूज़ होने हैं सेकंड ईयर में के सब्जेक्ट्स में, वो आपके साथ आउट रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा सेकंड ईयर के क्लास देते हुए या लेक्चर लेते हुए। ठीक है गाइस, तो आप क्या करो कि जो सेकंड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं आप फ़िलहाल उन्हें अभी रिवाइज करते रहो। ये है कि चांस है कि आप परमोट हो जाओगे, लेकिन फिर भी आप रिवाइज करते रहो, मे बी 30% चांस ये भी है कि पेपर का भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप क्या करो, जितने भी आपके सिलेबस हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर्स के द्वारा दिए गए हैं, या जो भी आपको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपल पेपर के थ्रू आपने देखा होगा जो क्वेश्चन लग रहा है कि आने वाले हैं, और या तो कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग है, जैसे कि HAP हो गया, HAP में जैसे आपका जैसे सेकंड ईयर में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है आपको जैसे पढ़ना है, तो उसमें जब तक आप अपनी बॉडी की पैथोलॉजी फिजियोलॉजी नहीं जानेंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि कोई भी पैथोजन गया तो उसने कौन सा डिजीज़ कॉज किया। तो बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप पुराने सब्जेक्ट थोड़ा रिवाइज करते रहो, सूटिक्स एज़ कम्पेयर टू सूटिक्स, जैसा कि आपको पता है कि फार्मास्यूटिक्स सेकंड आपको सेकंड ईयर में पढ़ना है, तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में जो चीज़ें हैं उन्हीं का थोड़ा सा, जैसे टैबलेट कोटिंग आपने पढ़ा होगा, कैप्सूल फिलिंग पढ़ी होगी, उसमें से कोटिंग के जो कई सारे इवेल्युएटिंग टेस्ट थे आप बार बार उसे रिवाइज करते रहो, कि फर्दर वो सेकंड ईयर में आपके क्या होंगे, आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। ठीक है गाइस, और जैसे नेक्स्ट फर्दर कोई अपडेशन आते हैं पेपर के रिगार्डिंग या प्रमोशन के रिगार्डिंग, आपको मेरे चैनल्स के द्वारा तुरंत ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी आप मेरे चैनल्स के सारे वीडियोस देखते रहो, और जो भी आपको जैसे कोई वीडियोस में कोई टॉपिक है जो कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो ना। और बाकी जो सेकंड ईयर के जो वीडियोस हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको जल्द ही बस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सारे वीडियोस बनाया जा चुका है, बस अपलोडिंग में मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूँ कि आप लोग का एक बार डिसाइड हो जाए कि पेपर होना है कि नहीं होना है, या प्रमोशन होना है, जहाँ मैं भी मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो प्रमोशन ही होगा, बाकी आपका अलग। ठीक है गाइस, तो इस बार फिलहाल आप लोग प्रमोट हो गए, लेकिन सेकंड ईयर में प्रमोशन होना नहीं है, तो आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। कुछ बेसिक्स हैं मैं बता रहा हूँ कि जो आपको सेकंड ईयर में जिनकी नीड होगी, आप नया कुछ ना पढ़ो, पुराना